Form up on me. हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। मैं हूँ मिस्टर टैकर, आ गए हूँ नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीडीएम वेयर हाउस से बाहर कैसे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने लगा लिया रूम, क्योंकि एनिमीज़ जो है वो बहुत मारते हैं, मतलब सही तरह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। वैसे तो आप कर सकते हैं वो ट्रिक, लेकिन अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये है ट्रिक, देखें आप वेयर हाउस से बाहर फिर सकते हैं। जो TDM है होता है पबजी मोबाइल में, नया अपडेट जो आया है 0.19.0, उसके बाद ये ट्रिक वर्क कर गई है। उससे पहले काफ़ी अर्सा पहले ये ट्रिक वर्क कर रही थी, लेकिन पबजी ने जो है वो ग्लिच बंद कर दिया था। तो गाइज आपने करना क्या है, देखें अभी मैंने टीममेट को अपना बाहर भेज दिया, ठीक है ना, मज़े से, मतलब इतनी एफर्ट्स नहीं लगती। तो मैं टीममेट को मार देता हूँ ताकि वो बाहर आए और मुझे भेजे, भाई मैंने सिखाना है। तो आपने करना क्या है गाइज, आपने क्या करना है कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर आना है और दूर से स्प्रिंट लॉक लगा लेना है और जंप करना है। स्प्रिंट लॉक लगा के जंप करना है और पीछे से पता है क्या करना है, जैसे मैंने किया था, ठीक है ना, टीममेट को कहना है कि वो आपको ऊपर डब्बे पे चढ़ के ना धिक्का दे। वो आपको धिक्का देगा, मतलब डब्बे पे चढ़ेगा ही सही ना, और उसी वक्त पे आपने जंप लगाना है बाहर, मतलब सेम टाइम पे दोनों चीज़ें होंगी तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, तो मैं आपको इस मेन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के चढ़ना सिखाऊँगा भाई ऊपर कैसे चढ़ना है। तो आप वहाँ से एनिमीज़ को आराम से मार सकते हैं, यहाँ बाहर का नज़ारा आप कर सकते हैं। ये शायद ही आपने किया हो या फिर आपने किया हो, ये तो वैसे ही है जैसे विकेंडी में घर होते हैं वैसे ये घर है। तो यहाँ पर आप सैर कर सकते हैं आराम से और बाहर से एनिमीज़ के काफ़ी किल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको हैकर हैकर बोलेंगे, लेकिन उन्हें पता है यार ट्रिक से ही गया, हैकर कौन से चले जाते हैं बाहर, हैकर भी बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, ट्रिक हो तब जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पीछे से जाकर आप उनके घर में जो है वो आप जहाँ पर एनिमी स्पॉन होती हैं वहाँ पर भी जाकर आप इन्हें किल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप किल कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने वो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर कैसे चढ़ना है, वो जो बड़ी बिल्डिंग है, चलिए दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ आना है, ये जो ऊंची सी पहाड़ी है और यहाँ पर इसके करीब आकर जंपिंग करनी है, थोड़ी सी आप जंपिंग करेंगे क्योंकि ये सब कुछ ग्लिच ही है, तो बाहर भी आप ग्लिच से ही आए हैं तो आसानी से शायद चढ़ जाएं। तो देखें मैं चढ़ता हूँ कि नहीं, यहाँ पर मुझे टीममेट मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोलता हूँ दफ़ा हो जाए, मतलब एनिमी है रूम में तो उसको वो मार क्यों रहा है, फिर बनाना फिर दोबारा मुश्किल हो जाएगी। तो गाइज हाँ यहाँ पर वो मैं आपको चढ़ना सिखाता हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप गायब होकर भी मार सकते हो एनिमीज़ को, उनको नज़र भी नहीं आएगा और आप यहाँ पर छुपे होंगे उनके मैप के अंदर, मतलब उनके घर के पीछे आप यहाँ पर छुपे होंगे और यहाँ पर मार सकते हैं आप उनको। तो गाइज यहाँ पर आया तो मैं उसको मारता हूँ, तो गाइज इसको गोलियाँ पता नहीं डैमेज क्यों नहीं हो रहा, शायद ये भी कोई ग्लिच हो गई, डैमेज नहीं होता, बीच में गोलियाँ टकरा दी, लेकिन उसको खून गिर रहा है उसका, निकल रहा है और उसको भी ये महसूस हो रहा है। मैंने उससे पूछा था, वो कह रहा है कि बस मेरी हेल्थ तो इतनी डाउन नहीं हुई मगर थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा था हेल्थ को भी। तो चलिए यार मैं आपको वो बिल्डिंग पे चढ़ना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये जो यहाँ जो पहाड़ी टाइप है यहाँ पर आना है और इसके ऊपर छलांग लगानी है और यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करना है। तो आप यहाँ पर दो तीन ट्राई करेंगे तो और ऊपर चढ़ ही जाएंगे। तो गाइस मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो यहाँ से आगे जाने के लिए आपका रास्ता बंद होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ग्लिच है, आप टकरा के ना आगे साइड पे मूव नहीं कर सकते, बस यहीं आगे जा सकते। तो आपने क्या करना है, गन पकड़नी है, ठीक है ना, अपने हाथ में गन पकड़ लेनी है, बगैर गन के देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा, गन पकड़ेंगे एक ही ट्राई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ग्लिच है मूवमेंट के, लेकिन आप एक ही जगह पर खड़े होकर यहाँ से एनिमीज़ के आराम से किल निकाल सकते हैं, कि जैसे कि अभी मैं एनिमी का किल निकालूंगा, यहाँ से पूरा पूरा डैमेज लगता है एनिमी को, तो इसकी टेंशन नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।